हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक की न्यू ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस टाइप की वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे, जो मैजिक बॉक्स वाली वीडियो जो है तब वायरल हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जब भी वीडियो शूट करेंगे तो सबसे पहले उस वीडियो के बैकग्राउंड एक क्लिक कर लेना है। वीडियो को आपको किस तरह से शूट करना है मैं बताता हूँ। तो चलते हैं मॉल के होम स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं बताऊँगा सेटअप बाय सेटअप इस तरह के वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। वीडियो के आगे तरफ क्लिक कर जाना है और देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर से हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है या फिर ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से मैं यहाँ से कैमरा को रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से मेरा वीडियो स्टार्ट हो जा रहा है। तो वीडियो के लेफ्ट पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो के लेफ्ट पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो का एक बैकग्राउंड आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के बैकग्राउंड कैसे क्लिक करना है। सिंपल सी वीडियो पे क्लिक करना है, डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो जो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। लास्ट स्टार्टिंग में आपको आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। जो जो आपने बैकग्राउंड कैप्चर किए थे बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या, इसे कर देना है आपको फुल साइज़। फुल साइज़ से करने के बाद इसे हाफ कर देना है। अब वीडियो को यहाँ से आपको इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा हल्का सा यहाँ धब्बा दिखना चाहिए। इसके बाद इसे डन कर देना है। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट तक यहाँ का हमें लेकर आना है। इस पर क्लिक करना है, सेकेंड वाले इमेज पर कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। आपको अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सी ओरिजिनल वीडियो का साउंड को आपको साइलेंट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाउनलोड करके रख रखा हो गैलरी में, तो वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करूँगा, इसके बाद एक्सट्रैक्ट आइडियो कर दूँगा। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है ये आपको बाहर आ जाता है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और इसे हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइडियो भी हमारा ऐड हो चुका है। तो इसे हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर दिया, तो वीडियो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। डन करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HD 720p या 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप टिकटॉक पे मैजिक बॉक्स वाले वीडियो आप बना सकते हैं। और आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।